जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सबका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट सेलिंग टिप्स पर। दोस्तों हम सबने नोटबंदी देखी है और हमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि ATM मशीन की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है। जी हाँ, ATM मशीन जिसने हमारी जिंदगी काफी आसान कर दी है। अब हमें अपने पैसे निकालने के लिए घंटों बैंकों की लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती। हम आसानी से छुट्टी वाले दिन भी किसी भी समय ATM का इस्तेमाल कर अपने खाते से पैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों भारत में प्रति लाख आबादी पर महज 28 ATM है, जबकि वैश्विक औसत यानी जो वर्ल्ड वाइड जो एवरेज है वो है 50 ATM का। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आपके आसपास जो ATM मशीन लगी होती है, यह मशीन बैंकों द्वारा नहीं लगाई जाती, बल्कि यह मशीन थर्ड पार्टी वेंडर्स लगाते हैं। इसे व्हाइट लेवल ATM भी कहते हैं और यह एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। अगर आपके पास मात्र 60 से 80 स्क्वायर फुट जगह है और अगर नहीं है फिर भी आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, तो आप किराए पर भी एक छोटा सा कमर्शियल स्पेस ले सकते हैं और SBI ATM मशीन लगाकर हर महीने 1000 रुपए कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको ATM मशीन फ्रेंचाइजी जुड़ी सारी जानकारी देने जा रहे हैं। आप किस तरीके से टाटा इंडी कैश की ATM फ्रेंचाइजी लेकर इस बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी बातों की जानकारी होना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, क्योंकि कुछ लोग टाटा इंडी कैश का नाम इस्तेमाल करके आपके साथ धोखाधड़ी भी कर सकते हैं। आपको कभी भी इनके द्वारा बनाई गई फेक वेबसाइट्स का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे www.indicash.net.in, indicash.org, www.tataindicash.org, myindicash.org। यह लोग इनके ब्रांड नेम टाटा इंडिकेश का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जब भी इनसे जुड़ी कोई जानकारी लेना चाहें तो आप इनकी ओरिजिनल और ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है www.indicash.cod.in पर ही विजिट करें, और या फिर इनके टोल फ्री नंबर 1-800-266-2660 पर संपर्क करें, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। दूसरा, यह लोग गूगल एड्स के जरिए भी फेक एडवर्टाइजिंग करते हैं, और जब कोई इन एड्स के जरिए इनसे कॉन्टेक्ट करता है तो ये रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर 15,000 या 20,000 की डिमांड कर देते हैं। जबकि टाटा इंडी कैश अगर आपकी जगह किराए पर लेती है तो वह आपको 3 महीने का किराया एडवांस पे करती है। इसलिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, आपको कोई पैसा एडवांस पे नहीं करना है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, आप बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरीके की नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स ग्रो टुगेदर। दोस्तों टाटा इंडी कैश की ATM मशीन फ्रेंचाइजी जुड़ी सारी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमने इस वीडियो को 7 डिफरेंट पॉइंट्स में कवर किया है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे अबाउट टाटा इंडी कैश कंपनी, क्योंकि किसी भी कंपनी के साथ बिजनेस शुरू करने से पहले आपको कंपनी की थोड़ी जानकारी होना जरूरी है। नंबर 2 पॉइंट, क्या क्या बेनिफिट्स मिलने जा रहे हैं फ्रेंचाइजी को। नंबर 3 पॉइंट, क्या क्या एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होगी। नंबर 4 पॉइंट, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होंगे। नंबर 5 पॉइंट, कितनी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। और नंबर 6 पॉइंट, क्या अर्निंग एनालिसिस होने जा रहे हैं, यानी आप कितनी कमाई करेंगे जब आप ये बिजनेस शुरू करते हैं, उसके बाद में आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, यानी हाउ टू अप्लाई। दोस्तों टाटा इंडी कैश कंपनी की अगर हम बात करें तो टाटा इंडी कैश का पहला ATM 27 जून 2013 को महाराष्ट्र के ठाणे डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव चंद्रपाड़ा में लगाया गया। यह कंपनी टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड द्वारा मैनेज और ऑपरेट की जाती है। यह टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड की होली ओन सब्सिडियरी कंपनी, यानी इसका जो मालिकाना हक है वह टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड के पास है, और यह देश की सबसे बड़ी व्हाइट लेवल ATM प्रोवाइड करवाती है। टाटा इंडी कैश के ATM नेटवर्क की अगर हम बात करें तो आज 8,000 से ज्यादा ATM के साथ हमारे देश के 21 राज्यों के 5,000 शहरों तक इसका नेटवर्क फैल चुका है। दोस्तों अब बात करते हैं टाटा इंडी कैश के साथ बिजनेस करके आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने जा रहे हैं। सबसे पहला, ये एक आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस होगा, यानी आपको एक एंटरप्रेन्योर बनने की अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है, और साथ ही एसोसिएशन आपकी होने जा रही है टाटा जैसे ब्रांड के साथ। उसके साथ ही आपको इसमें बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करनी होगी, और जो आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा उसमें आपको हाई रिटर्न्स मिलने जा रहे हैं, और साथ ही इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होगी जो कि रिफंडेबल होगी। साथ ही ये एक फ्लेक्सिबल बिजनेस मॉडल है, अगर आपके पास में खुद की जगह है तो भी आप इसको शुरू कर सकते हैं, नहीं तो आप कहीं रेंट पे भी लेके इस काम को शुरू कर सकते हैं। उसके साथ में कंप्लीट ओनरशिप आपको मिलती है इस ATM के लिए। उसके साथ ही आपको एक डेडिकेटेड बैकएंड ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है टाटा कम्युनिकेशंस की तरफ से। दोस्तों एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जरूरी है इंडियन सिटीजन होना। उसके साथ में एरिया की अगर हम बात करें ATM एस्टेब्लिश करने के लिए, तो आपके पास में कम से कम 60 स्क्वायर फुट से लेकर 80 स्क्वायर फुट तक की जगह होनी चाहिए। लॉक इन पीरियड आपकी सिक्योरिटी का होगा 1 साल का। अगर मान लीजिए उससे पहले आप विड्रॉ करते हैं तो आपको पेनल्टी देनी होगी 1,00,000 रुपए की।
की और दो एटीएम के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कम से कम 100 मीटर का होना जरूरी है। और साथ ही आपका जो एटीएम का जो स्पेस होगा ये ग्राउंड फ्लोर पे होना जिसमें अच्छी विजिबिलिटी हो, ये मस्ट है। आपके पास में पार्किंग का स्पेस होना चाहिए, साथ ही आपके पास में 24 आवर्स पावर सप्लाई का भी अरेंजमेंट आपको रखना होगा। साथ ही जो आपका प्रीमाइस होगा जहां पे आपका ये एटीएम होगा उसकी छत होगी, जो उसकी सीलिंग होगी वो कंक्रीट की बनी होनी चाहिए। और साथ ही अगर जब आप वीसेट एस्टेब्लिश करते हैं तो आपको उस सोसाइटी से या अथॉरिटी से आपको एक एनओसी की जरूरत पड़ेगी। तो ये एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट थी। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की। दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो आपके पास में आपके पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उसमें चाहे आपका आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी हो या फिर आपका पासपोर्ट हो, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट चलेगा। उसके साथ ही फाइनेंशियल प्रूफ आपके पास में होने चाहिए जिसमें पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स या फिर आपकी बैंक की पासबुक, बैंक स्टेटमेंट ये चाहिए होगा। साथ ही अगर आपके पास में अपना खुद का प्रीमाइस है यानी जहां पे आप एटीएम शॉप ओपन करेंगे अगर वो आपका खुद का है तो वहां पे आपको रजिस्ट्री या आपकी कन्वेंस डीड ये आपको सबमिट करने होंगे, वहां का चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो चाहे लैंडलाइन फोन नंबर हो ये आपको सबमिट करना होगा। साथ ही अगर आप मान लीजिए रेंटेड प्रीमाइसेस में है तो वहां का आपको लीज एग्रीमेंट या फिर रेंटल एग्रीमेंट ये आपको सबमिट करना होगा। साथ ही आपके पास में खुद का जीएसटी नंबर होना चाहिए और साथ ही कुछ फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी और फोन नंबर्स की आपको जरूरत पड़ेगी जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की। दोस्तों अब बात करते हैं कितनी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी जब आप बिजनेस को शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन के ऊपर। जी हां, आप कहां पर अपनी शॉप ओपन करना चाह रहे हैं। अगर मान लीजिए शहर में है, आपके पास खुद का प्रीमाइस नहीं है, अगर आप रेंट पे लेते हैं तो आपकी वहां पर इन्वेस्टमेंट कुछ और होगी। और साथ ही अगर मान लीजिए आप किसी गांव या पिछड़े इलाके में अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो वहां पर इन्वेस्टमेंट आपकी अलग हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट या सबसे जो मेजर जो कंट्रीब्यूशन है जगह का वो अलग अलग एरिया के हिसाब से चेंज हो सकता है। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट की। तो कंपनी आपसे 2 लाख रुपए का रिफंडेबल सिक्योरिटी फीस लेती है जब भी आप इसको हैंड ओवर करते हैं यानी जब आप वापस करते हैं इस एटीएम फ्रेंचाइजी को तो आपको 2 लाख रुपए रिफंड हो जाते हैं। और अगर आप मान लीजिए 1 साल से पहले पहले इसको अगर आप मान लीजिए विड्रॉ करते हैं तो आपको 1 लाख रुपए आपके डिडक्ट हो जाते हैं उस अमाउंट से। उसके साथ ही आपको 3 लाख रुपए का डेली रनिंग ऑपरेशनल कॉस्ट चाहिए होगा जो कि आपकी मशीन में डाला जाएगा पैसा। और साथ ही आपको आपके इन्वेस्टमेंट करनी होगी इंटीरियर सेटअप के लिए, जैसे मान लीजिए जो ग्लास डोर आपको बनाना होगा लगभग उसका 20,000 रुपए लेके चलते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिकल फिटिंग आपको करानी पड़ेगी लगभग 5,000 रुपए की। आपको वहां पर एक एसी फिट करना होगा लगभग 40,000 रुपए का। साथ ही आपको सीसीटीवी की जरूरत पड़ेगी लगभग 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट आपकी उसमें लगेगी। और साथ ही आपको इन्वर्टर और बैटरी लगानी होगी 24 आवर पावर सप्लाई के लिए जिसकी कॉस्ट लगभग 30,000 रुपए मान के चलते हैं। साथ ही आपको फायर सेफ्टी इक्विपमेंट भी लगाने होंगे लगभग 3,000 रुपए के। तो इस कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो ये पड़ती है लगभग 1,03,000 रुपए। और साथ ही आपको मैन पावर रखना होगा, एक सिक्योरिटी गार्ड और साथ ही हाउसकीपिंग का भी एक बंदा आपको वहां पर रखना होगा। और साथ ही इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो आपको हर महीने का जो मंथली बिल है वो भी आपको अपनी जेब से पे करना होगा। और साथ ही अगर मान लीजिए आपके रेंटेड स्पेस है तो आपको रेंट भी अपनी जेब से देना होगा। तो दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट आपको करनी होगी इस बिजनेस के लिए। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की। दोस्तों अब बात करते हैं इस बिजनेस की अर्निंग एनालिसिस की, यानी जब बिजनेस को शुरू करते हैं तो हमें किस तरीके से कमाई होती है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि एटीएम के अंदर 2 तरीके की ट्रांजेक्शन होती है, एक होती है कैश ट्रांजेक्शन और एक होती है नॉन कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शंस वो होती हैं जिसमें हम कैश की ट्रांजेक्शंस करते हैं, जिसमें हम पैसा निकालते हैं, जिसमें हम पैसा जमा करते हैं। और नॉन कैश ट्रांजेक्शंस वो ट्रांजेक्शंस होती हैं जिसमें हम जैसे मान लीजिए एटीएम का पिन जनरेट करते हैं, हम बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, हम मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, तो ये होती है नॉन कैश ट्रांजेक्शंस। तो दोस्तों इन दोनों का जो रेट होता है वो अलग होता है, यानी जो कमीशन मिलता है वो दोनों का अलग अलग मिलता है। कैश ट्रांजेक्शन में मिलते हैं 8 रुपए पर ट्रांजेक्शन पे और नॉन कैश ट्रांजेक्शन का जो पैसा मिलता है वो मिलता है 2 रुपए का पर ट्रांजेक्शन पे। तो दोस्तों मान लीजिए 250 लोग पर डे आपकी मशीन पे विजिट करते हैं और उसमें से 65% लोग जो है वो करते हैं कैश ट्रांजेक्शन और 35% जो लोग हैं वो करते हैं नॉन कैश ट्रांजेक्शन। अब इन दोनों के रेट अलग है। तो अगर हम 250 का 65% निकाल लें तो ये होते हैं 163 लोग और 35% अगर हम निकाल लेते हैं ये होते हैं 88 लोग। अब इन दोनों के रेट कैलकुलेशन अलग अलग है। तो जो कैश ट्रांजेक्शन करेंगे लोग वहां से आपको इनकम होने जा रही है 304 रुपए पर डे की और जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन करते हैं उनकी तरफ से आपको इनकम होने जा रही है 176 रुपए की। तो टोटल दिन में आपकी इनकम जो होती है वो होती है 1480 रुपए अगर 250 लोग आपके यहां पे विजिट करते हैं। और इस तरीके से अगर 250 लोगों की अगर मेंटेन करते हैं आपके यहां पे विजिट तो आपकी जो महीने की इनकम होती है वो होती है 44,000 रुपीज। दोस्तों अब मान लीजिए अगर आपकी ये एवरेज बढ़ जाती है 350 लोग आपकी मशीन पर डेली विजिट अगर करते हैं और इसमें से 65% लोग कैश ट्रांजेक्शन करते हैं और 35% लोग नॉन कैश ट्रांजेक्शन करते हैं तो 65% के हिसाब से 228 लोग आपके यहां पे आए और 35% के हिसाब से यहां पे आपके 123 लोग आए। तो इन दोनों की जो कैलकुलेशन होगी दोस्तों वो होगी 1824 रुपए आपकी होगी कैश ट्रांजेक्शन से और जो इनकम होगी आपकी नॉन कैश ट्रांजेक्शन से वो होगी 246 रुपए। तो अगर इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 2070 रुपए आपकी होती है
पर डे की इनकम। अब 30 डेज से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 350 लोग अगर आपके यहां पे विजिट करते हैं तो आपको मिलते हैं 62,000 रुपए हर महीने के। अब मान लीजिए ये आपके एवरेज बढ़ गए, आपके यहां पे 500 लोग आने लगे पर डे विजिट करने के लिए यानी ट्रांजैक्शंस करने के लिए, जिसमें से 65% जो लोग हैं वो कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं, यानी 350 लोग के आसपास जो है आपके यहां पे कैश ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, और 35% उसका जो है 175 लोग आपके यहां पे नॉन कैश ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। तो उसकी जो कैलकुलेशन बनेगी दोस्तों वो ये कि 2600 रुपए आपको मिलने जा रहे हैं कैश ट्रांजैक्शन से और 350 रुपए आपको मिलने जा रहे हैं नॉन कैश ट्रांजैक्शन से। तो पर डे जो आपकी इनकम होने जा रही है वो होती है 2950 रुपए अगर आपके यहां पे 500 लोग विजिट करते हैं पर डे, जिसमें 65% लोग कैश ट्रांजैक्शन करते हैं और 35% जो लोग नॉन कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, और महीने की आपकी इनकम हो जाती है दोस्तों 88,000 रुपए। तो ये आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा कि कितने लोग आपके यहां पे विजिट करेंगे, और एवरेज अगर मान लीजिए कुछ लोग कैश ट्रांजैक्शन करते हैं कुछ लोग नॉन कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको महीने के कितनी आपकी इनकम हो सकती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आप किस तरीके से टाटा इंडिकैश की एटीएम फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ले चलते हैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अब हम आप पहुंचे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ब्राउजर में डालना होगा टाटा इंडिकैश। तो जैसे हम ये डालेंगे तो सबसे पहले ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी इनकी, tataindicash.co.in। तो हमें सबसे पहले यहीं पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं। और ये देखिए ध्यान से जो देखने वाली चीज़ है, सबसे पहले ही पॉपअप विंडो आया जिसमें कहा है सही को पहचानो। ये इंफॉर्मेशन हमने वीडियो के शुरुआत में सबसे पहले आपको दी थी कि आपको ये जो फेक वेबसाइट्स हैं myindicash.org और ये जो tataindicash.com टाइप की जो फेक वेबसाइट्स हैं इन पे आपको नहीं अप्लाई करना है, आपको जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अप्लाई करना है और वहीं से सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है। जब भी आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप जब क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले यही पॉपअप विंडो आपको आएगी, तो आपको आइडिया लग जाएगा हाँ ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे अबाउट अस, फॉर बैंक्स, फॉर ब्रांड्स, एटीएम सर्विसेज, रेंट और स्पेस। अगर आपको अपनी जगह रेंट पे देनी है तो वहां के वहां पे आपको यहां पे क्लिक करना होगा, और अगर आप मान लीजिए फ्रेश अप्लाई करना चाहते हैं आपके पास में आप खुद काम करना चाहते हैं तो आपको यहां पे अप्लाई करना होगा एटीएम फ्रेंचाइजी के लिए। जैसे ही आप यहां पे क्लिक कीजिएगा तो आप यहां देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर कॉलम आएगा इंक्वायर नाउ का, उसके बाद में यहां पे इनका ब्रोशर है, ये मैं आपको दिखाता हूं। ये ब्रोशर इनका इस तरीके का है, यहां पे ये सारी इंफॉर्मेशन है जो हमने आपको इस वीडियो में कवर की है। उसके साथ ही अब हम बात करते हैं किस तरीके से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें यहां पे इंक्वायर नाउ पे टिक करना होगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला मांगा जाएगा आपका फुल नेम, उसके बाद में आपकी ईमेल आईडी, साथ में किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो आपको डालना होगा, उसके साथ ही किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, क्या आपके डिस्ट्रिक्ट है वो आपको डालना होगा, उसके साथ ही आपको अपना फोन नंबर, पिन कोड और साथ में आपको एड्रेस जहाँ पे आप ये बिजनेस को शुरू करेंगे आपको वो एड्रेस डालना होगा उस शॉप का। साथ ही आपको कमेंट देना होगा कि आप इस बिजनेस को कहाँ शुरू करना चाहते हैं, कितना आपके पास में एरिया है यानी कितना आपके पास में पार्किंग स्पेस है, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन अगर आप डालना चाहें डाल सकते हैं। उसके साथ ही आपसे पूछा जाएगा कि आर यू विलिंग टू मेक इनिशियल पेमेंट ऑफ 2 लाख, तो यहां पे आपको टिक करना होगा। उसके साथ में अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर हां तो आपको यस करना होगा, अगर नहीं तो आप नो कर सकते हैं। साथ में अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है एटीएम फ्रेंचाइजी का तो आप डाल सकते हैं यस नो, छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज हैं ये आपसे पूछी जाएंगी ये आप भर दीजिएगा। अगर आपके पास में कोई बैंकिंग रिलेटेड कोई बिजनेस का अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आप डाल दीजिएगा। साथ ही अगर आप मास्टर फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आप डाल दीजिएगा। साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपको फिल करने होंगे, उसके बाद में यहां पे चेक करके आप इसको सबमिट कर दीजिएगा। जैसे आप सबमिट कीजिएगा तो उसके साथ आपके पास में कंपनी की तरफ से ही जो है आपके पास में मेल आएगी या आपके पास में जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी वो कंपनी की तरफ से ही होगी। वो सबसे पहले आके आपके पास में आपका एरिया देखेंगे, आपका स्पेस देखेंगे, कहां पे आप लोकेट करना चाहते हैं इस बिजनेस को, उसके बाद ही आपको जो है आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आपको कंप्लीट पैकेज ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप इस फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप इसको लाइक कर सकते हैं, साथ ही अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।